हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस है उनको स्टडी करने वाले हैं। तो आपके डाउट्स आपने मुझे सेंड किए हैं, जो भी आपके डाउट्स है एक्सरसाइज 5A यानी कि प्रीवियस ईयर जी मेंस के जो क्वेश्चंस है आज हम उन्हें टैकल करने वाले हैं। तो देखो क्या है आपके डाउट्स। आपके डाउट्स है एक्सरसाइज जी मेंस, डाउट नंबर 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42। तो चलो देखो इतने सभी आपके क्या है डाउट्स है। तो चलो देखो बहुत से प्रॉब्लम हमने यहाँ तक आज टैकल किए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हुए मतलब आपके डाउट्स में है आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो चलो देखो इन सभी वीडियोस को आपको अच्छे से देखना होगा, इन्हें समझना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वन बाय वन करके हम प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2 अच्छे से देखो, इन्हें समझो, बेसिक को क्लियर कर लो। क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ x इंटू dx। तो चलो देखो जैसे ही आपने लिमिट देखा माइनस पाई टू पाई तो आपको समझ जाना चाहिए ये ऑड इवन प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो ये जो फंक्शन है ये आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। आप चेक कर सकते हो ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर आता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। जैसे आपका फंक्शन ऑड आ गया तो माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। तो ये फंक्शन रहेगा जीरो प्लस इसे हम बोलेंगे आई, ये टू जो कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। आप चेक कर सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, चेक किया माइनस ऑड ए ऑड इंटू ऑड मतलब इवन, तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन। तो इवन फंक्शन का माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन क्या होता है, सो आई इज इक्वल ए टू आई से रहेगा। इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए, ए मतलब क्या पाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सो टू इंटू टू ए क्या होगा, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलो देखो प्रॉपर्टी क्या है, आई इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल को हम आई वन बोलेंगे। अच्छे से देखो तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू आई वन, टू इंटू टू मतलब 4, इसे हम क्या बोलेंगे, आई वन। सो आई वन को कैसे टैकल करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स। सो आपके पास आपको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया, सो आई वन इज इक्वल टू जीरो टू एक्स जीरो टू पाई, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डीएक्स। अच्छे से देखो यहाँ पे अब, तो फिर क्या होगा, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई पाई
माइनस एक्स इंटू अलाइड एंगल का यूज करेंगे, क्या है अलाइड एंगल, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब माइनस कॉस एक्स, उसका स्क्वायर मतलब वन प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे भी स्प्लिट करेंगे। सो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई, पाई इंटू एक्स, सो पाई इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेकिन ये इंटीग्रल क्या है, आई वन की वैल्यू है, सो ये यहाँ आई वन यहाँ के क्या होगा प्लस, सो आई वन प्लस आई वन मतलब क्या होगा टू आई वन इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एज एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉस जीरो क्या होगा वन मतलब टी इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू पाई कॉस पाई क्या होगा टी इज इक्वल टू माइनस वन। तो चलो ये वैल्यूएशंस पुट किए, सो क्या मिलेगा आपको टू आई वन इज इक्वल टू, ये पाई ऐसे रहेगा पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो को वन है पाई को माइनस वन है, सो वन टू माइनस वन, तो साइन एक्स डी एक्स मतलब क्या होगा माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर। तो चलो देखो ए माइनस से साइन इन लिमिट्स क्या होंगे चेंज, मतलब लिमिट होगा माइनस वन ए होगा प्लस वन, इसकी वजह से माइनस साइन क्या हो गया एब्सॉर्ब हो गया। आपको अच्छे से पता है डिफिनेट इंटीग्रेशन में माइनस साइन से सिर्फ क्या होते हैं लिमिट इंटरचेंज होते हैं। सो क्या होगा आई वन इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन टू वन वन प्लस टी स्क्वेयर, ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका ई वन फंक्शन है, चेक कर सकते हो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर मतलब क्या है ई वन फंक्शन। तो अगर आपका ई वन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टू इंटू जीरो टू वन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर डी टी, तो फिर टू टू कैंसिल होगा, सो आई वन इज इक्वल टू पाई इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टेन इन वर्स ऑफ टी, लिमिट पुट करेंगे जीरो टू वन, सो पाई इंटू टेन इनवर्स ऑफ वन मतलब पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स ऑफ जीरो मतलब जीरो, सो क्या आ गया पाई स्क्वेयर बाय फोर। तो देखो I1 की वैल्यू क्या आ गई पाई स्क्वेयर बाय 4 आ गई, तो यहाँ पे पुट करेंगे सो 4 इंटू पाई स्क्वेयर बाय 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा पाई स्क्वेयर। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया पाई स्क्वेयर, मतलब ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख सकते हो किस तरह से प्रॉब्लम का आपने यूज़ किया, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, ऑड इवन फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पे सबसे पहले ऑड इवन का यूज़ किया इसे सॉल्व किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, फिर से क्या किया ऑड इवन प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो आप देख सकते हो मेंस लेवल में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सभी कॉन्सेप्ट कितने ज़रूरी होंगे, तभी आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इन वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आसानी से टैकल करने के हिंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसे स्किप करके देखोगे फॉरवर्ड करके देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो चलो देखो यहाँ पे आगे, सो सेकेंड नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको हम स्टडी करेंगे। क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो प्रॉब्लम नंबर 5। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 5, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 raised to p plus 2 raised to p plus 3 raised to p plus on up to plus n raised to p divided by n raised to p plus 1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 raised to p plus 2 raised to p plus 3 raised to p plus on up to n raised to p upon n into n raised to p। अच्छे से देखो इसे समझो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है 1, 2, 3 मतलब ये वेरी हो रहे कॉन्स्टेंट p है, तो कहाँ से 1 से n तक। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r वंस फ्रॉम 1 to p, समेशन मतलब क्या एडिशन 1, 2, 3 मतलब r raise to p upon n into n raise to p।
तो आप देख सकते हो जो भी आपकी सीक्वेंस थी इसे आपने क्या किया, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वन अपॉन एन इन टू आर अपॉन एन रेस टू पी, आर रन्स फ्रॉम वन टू एन। तो चलो देखो आपका प्रॉब्लम तो फॉर्मुलेट यहाँ पे हो गया, यहाँ से आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। आर अपॉन एन को आप क्या पुट करोगे, एक्स। वन अपॉन एन आपका क्या होगा, डी एक्स। ए हो गया एक्स, ए हो गया डी एक्स, और ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में। उसके लिमिट्स होंगे वन अपॉन एन मतलब इंफिनिटी मतलब जीरो, टू एन अपॉन एन मतलब वन। तो चलो देखो ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन। वन अपॉन एन मतलब डी एक्स, आर अपॉन एन मतलब एक्स रेस टू पी, ओके ना। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स रेस टू पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन, लिमिट हो गए जीरो टू वन। वन रेस टू समथिंग मतलब वन अपॉन पी प्लस वन माइनस जीरो अपॉन समथिंग मतलब जीरो, सो वन अपॉन पी प्लस वन आपका आंसर आना चाहिए। तो प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, सेकेंड, वन अपॉन पी प्लस वन। सिंपल सा प्रॉब्लम था लिमिट ऑफ सम का। कितने प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। लास्ट एक्सरसाइज को देखो, डीपीपी को देखो, एक्सरसाइज वन को देखो, एक्सरसाइज टू को देखो, हर एक्सरसाइज में लिमिट ऑफ सम के प्रॉब्लम्स आए हैं और हमने उसे टैकल किया है। फिर भी आपके डाउट्स में सिंपल सिंपल लिमिट ऑफ सम के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसका एक और एक ही मीनिंग है कि आप वीडियोस को अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से नहीं देखते हो। तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को अच्छे से देखो तो इतने कॉमन प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट में देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर सिक्स, क्या है प्रॉब्लम नंबर सिक्स अच्छे से देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू साइन एक्स अपॉन एक्स है। तो डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ए है तो इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। इस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स क्या होने वाला है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होने वाला है। तो चलो देखो आगे क्या दिया है आपको, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू फोर, वन टू फोर थ्री अपॉन एक्स ई रेस टू साइन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ वन, तो आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है k इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल सी बात है, चलो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको दी गई है तो आपको इस इंटीग्रल को जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू वैसे भी मिलनी तय है। उसके लिए आपको क्या दिया है, कैपिटल f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू sin x अपॉन x है, मतलब e रेस टू sin x अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल f ऑफ x है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव मतलब डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलो देखो जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड किए उसे अश्यूम किया फ्रॉम वन टू फोर थ्री अपॉन एक्स ई रेस टू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। पुट करेंगे यहाँ पे, क्या पुट करेंगे, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देयर फोर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोई बात नहीं, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो थ्री एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी टी, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है टी, तो फिर एक्स क्यूब वैल्यू टी पुट करेंगे, देयर फोर थ्री डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है टी, वह जाके डिवाइड होगा डी टी अपॉन टी। अच्छे से देखो क्या किया, एक्स क्यूब पुट किया, डेरिवेटिव किया, अरेंजमेंट किया, थ्री डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन टी आ गई। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, लिमिट चेंज करना होगा, एज x इज इक्वल टू फोर, फोर का क्यूब क्या है 64, सो t इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू वन, t इज इक्वल टू वन, सो ये इंटीग्रेशन चेंज होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 64, 3 अपॉन x इंटू डी एक्स मतलब क्या होगा, dt टी अपॉन टी ई रेस टू साइन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वैल्यू तो t है, सो e रेस टू साइन ऑफ t, तो आपको क्या मिला e रेस टू साइन ऑफ t अपॉन t dt, तो e रेस टू साइन x अपॉन x dx की वैल्यू क्या है, कैपिटल f ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल f ऑफ t आएगी। लिमिट्स पुट करेंगे 1 टू 64, मतलब क्या आएगा, f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1 आ गया। तो इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया
तो आपको क्या मिला, एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1 मिला। उन्होंने दिया क्या है, इस इंटीग्रेशन का आंसर दिया है एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो कंपेयर करोगे तो इस इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे है और हमने जो कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे है, तो दोनों आंसर्स क्या होने चाहिए सेम। तो सिंपली कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ के एफ ऑफ 16 माइनस माइनस एफ ऑफ 1 मतलब के की वैल्यू क्या आएगी 64। तो प्रॉब्लम नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। आगे चलो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है आपका। इफ अच्छे से देखो, इफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल का आंसर फाइंड करना है। तो दिया, चलो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे किया तो क्या होगा, अगर इसे मैंने आई बोला, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो चलो देखो दिया क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहले से ही आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसे एफ ऑफ एक्स में लिख सकता हूँ फ्रॉम ए टू बी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स से इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ए टू बी ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब क्या है आपका, आई है, तो यहाँ पे आई रिप्लेस किया तो यहाँ आके प्लस होगा, आई प्लस आई मतलब टू आई, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ए कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए टू यहाँ के डिवाइड होगा सो आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 7 का आपका आंसर क्या आएगा, आई की वैल्यू चाहिए ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब 7 का आंसर आ गया 3। तो सिंपल था, चलो देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, आपको करने की जरूरत है बस, आप करते नहीं हो प्रॉपरली, यही आपका प्रॉब्लम है। सिंपल प्रॉब्लम था, आपको प्रॉपर्टी भी दी थी, आपको देख के इसे देख के समझ जाना चाहिए था कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया, रिप्लेसमेंट किया, आपका आंसर अपने आप आ गया। तो आप ध्यान से करो, अच्छे से करो, ध्यान लगा के करो, वीडियोज को अच्छे से देखो, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके आंसर्स नहीं आने वाले, अच्छे से देखो। फिर चलो देखो प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट जो है, प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 10 को अच्छे से देखेंगे। चलो प्रॉब्लम नंबर 10, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 raised to 4 प्लस 2 raised to 4 प्लस 3 raised to 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस n raised to 4 डिवाइडेड बाय n raised to 5। तो कैसे करेंगे, माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, आगे भी आपको दिया है 1 cube प्लस 2 cube प्लस 3 cube प्लस ऑन अप टू n cube डिवाइडेड बाई n raised to 5। अच्छे से देखो, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लेंगे सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1, 2, 3, 4 सबकी पावर क्या है 4, सो r raised to 4, r का आ जाएगा 1 से n तक, मतलब समेशन ऑफ r runs फ्रॉम 1 से n तक r raised to 4 अपॉन n raised to 5 माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1, 2, 3 सोन अप टू n पावर क्यूब है, सो r raised to 3 अपॉन n raised to 5 समेशन ऑफ r runs फ्रॉम 1 to n। तो चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r raised to 4 अपॉन n raised to 4 इंटू 1 अपॉन n माइनस लिमिट
n tends to infinity, summation of r runs from 1 to n, r cube upon n cube into 1 upon n into 1 upon n. तो चलो देखो, आपको पता चल गया तो ये क्या है, आपका लिमिट ऑफ सम का प्रॉब्लम है. जैसे ही आप यहाँ पे r अपॉन n को x पुट करोगे, 1 अपॉन n क्या होगा, dx होगा, ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम r की वैल्यू 1 अपॉन इनफिनिटी मतलब 0 से 1, r अपॉन n मतलब x रेस टू 4 इंटू dx माइनस, यहाँ पे देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, r अपॉन n को क्या पुट करेंगे हम, x, तो यहाँ पे होगा x क्यूब, r की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन n मतलब इंफिनिटी मतलब 0 से 1, 1 अपॉन n क्या होगा dx इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. चलो ये तो कन्वर्ट हो गया लेकिन ये 1 अपॉन n यहाँ पे पेंडिंग रहेगा. अच्छे से देखो, सो वन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, 1 अपॉन n मतलब क्या, 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0. तो यहाँ पे क्या बचेगा, x रेस टू 5 अपॉन 5 लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1, तो आंसर क्या आएगा 1/5. सो प्रॉब्लम नंबर 10 जो है उसका आंसर क्या आएगा 1/5, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका आंसर होगा. इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 11. तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 11. इफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू f of y is equal to e raised to y and g of y is equal to y, y greater than 0. f of t आपको दिया है, क्या दिया है, f of t is equal to integration from 0 to 1, 0 to t integration from 0 to t f of t minus y into g of y into dt. तो चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे आपको क्या दिया है, अब आपको जो दिया है उसे प्रॉपरली देखो. f of y is equal to e raised to y, g of y is equal to y, f of capital f of t is equal to integration from 0 to t f of t minus y into g of y into dt. सिंपल है. सो g of y मतलब क्या है, y, तो यहाँ पे f of t minus y मतलब क्या है, f of y है e raised to y, तो f of t minus y क्या होगा, e raised to t minus y. तो यहाँ पे put करेंगे तो क्या मिलेगा, f of t is equal to integration from 0 to t e raised to t minus y into y into dt. questions को अच्छे से देखो, f of t minus y into g of y into dy, okay, तो इंटू डी वाई है, सॉरी इंटू डी वाई, तो वेरिएबल क्या है y, इसका मतलब t क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा. अच्छे से देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, y है. जैसे आपका वेरिएबल अगर y है तो फिर आपका t क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट. तो इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेस टू t इंटू e रेस टू माइनस y इंटू y डी वाई. सो ई रेस टू टी कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा क्योंकि टी वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट, क्यों, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई है. तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेस टू माइनस वाई इन टू वाई डी वाई. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट से. तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी, ऐसे रहेगा, ओके. तो यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, ए होगा आपका यू y into इसका इंटीग्रेशन e raise to minus y upon minus 1, लिमिट पुट करेंगे 0 to t माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव होगा 1 into इसका इंटीग्रेशन e raise to minus y upon minus 1 dy. तो चलो देखो अच्छे से, फिर क्या होगा, e raise to t into अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस t into e raise to minus t माइनस 0 into समथिंग 0 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ई रेस्ट माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस्ट माइनस वाई अपॉन माइनस वन, लिमिट पुट करेंगे 0 टू टी. तो फिर देखो अच्छे से क्या होगा, ई रेस्ट टू टी इंटू माइनस टी ई रेस्ट टू माइनस टी माइनस प्लस माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे ई रेस्ट टू माइनस टी माइनस ई रेस्ट टू 0 मतलब क्या, 1. तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस टी ई रेस्ट माइनस टी प्लस टी 0 माइनस माइनस ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू माइनस टी माइनस वन. सो माइनस टी माइनस
ई रेस टू जीरो मतलब क्या, वन माइनस माइनस प्लस ई रेस टू टी। तो चलो देखो आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्या है ई रेस टू टी को कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया, सो ई रेस टू टी इंटू माइनस कॉमन लिया, सो टी प्लस वन, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 11 का आंसर क्या आ गया, थर्ड। तो प्रॉब्लम नंबर 11 भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, सिंपल सा प्रॉब्लम था जो आपको पुटिंग दी थी, उसमें आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना था। वेरिएबल कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, डीवाई से। डीवाई प्रेजेंट था मतलब इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना था, टी को कांस्टेंट ट्रीट करना था। तो टी जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो टी के टर्म्स क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। बाय पार्ट्स आप यूज करो तो आंसर वैसे भी आने वाला था। तो चलो देखो 12 नंबर। तो 12 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो पहले भी हमने एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया है, एज इट इज 12 नंबर का प्रॉब्लम एज इट इज हो चुका है। सो फिर 12 नंबर पहले से ही सॉल्व है, तो मैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने उसका सोल्यूशन पहले भी आपको दिया है। तो चलो देखो 13 नंबर क्या है। 13 नंबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ r runs from 1 to n, 1 upon n into e raised to r upon n। चलो देखो, कोई भी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता, लेकिन आप करते ही नहीं हो। मैंने आपको बताया है क्या करना है, r upon n को x put करना है, 1 upon n definitely dx होगा, r की वैल्यू 1 put की 1 upon n, n tends to infinity मतलब 1 upon 0, so x की वैल्यू 0 होगी, n upon n मतलब 1 मतलब x की वैल्यू 1 होगी, so ये चेंज होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये होगा dx और ये होगा e raise to x। तो इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। कितना आसान प्रॉब्लम, में आप करते नहीं हो, एकदम आप अच्छे से नहीं करते, वीडियो को देखते ही नहीं, सिर्फ डाउट में भेज देते हो। तो ऐसे ही अगर आप करते रहोगे तो इसमें पूरा नुकसान आपका ही होने वाला है। तो ये क्यों लिमिट पुट करेंगे, रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 0 टू 1, सो ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0 मतलब ई माइनस 1, ये आपका क्या आएगा आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर 13 बिल्कुल सी इजी था, एकदम डोंकी वर्क था, लेस वर्क था, आपको करना चाहिए था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17 डाउट में देखो। चलो प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 17 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स। आई वन क्या है आपका, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए एक्स जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx, ये आपको क्या दिया है i1। i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम f ऑफ माइनस a टू f ऑफ a g ऑफ x इंटू 1 माइनस x dx। चलो देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपरली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। देखते ही आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगा प्रॉपर्टी में। सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो f ऑफ a क्या आएगा, एफ ऑफ ए ई रेस टू ए अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ए, एफ ऑफ माइनस ए क्या आएगा ई रेस टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए। कोई बात नहीं, तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ई रेस टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 अपॉन ई रेस टू ए अपॉन ई रेस टू ए प्लस 1 अपॉन ई रेस टू ए, तो ई रेस टू ए कैंसिल होगा, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ए, दोनों के एडिशन करो। चलो एफ ऑफ ए मतलब क्या अपर लिमिट, एफ ऑफ माइनस ए मतलब क्या लोअर लिमिट, दोनों के एडिशन कितनी आती है, ई रेस टू ए अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ए और 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ए मतलब क्या आएगा 1। सो देखो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की एडिशन क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे अच्छे से, तो ए प्लस बी की एडिशन क्या आ गई 1। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस x रिप्लेस करेंगे। तो चलो i1 को रिप्लेस करेंगे, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम f ऑफ माइनस a टू f ऑफ a, x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस x इन टू g ऑफ x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस x इन टू 1 माइनस x, 1 माइनस x की जगह पे क्या आएगा फिर x,
इंटू डी एक्स, तो मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए वन इंटू दिस, सो जी ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स इंटू दिस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, तो एक्स इंटू जी ऑफ वन माइनस एक्स मतलब क्या आई वन, जी ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स मतलब क्या आई टू, सो आई वन इज इक्वल ये वैल्यू हो गई आई टू माइनस ये वैल्यू हो गई आई वन, या आके क्या होगा प्लस, सो टू आई वन इज इक्वल टू आई टू, आपको क्या फाइन करना है आई टू अपॉन आई वन, तो यहाँ आके डिवाइड होगा, सो आई टू अपॉन आई वन इज इक्वल टू क्या रहेगा टू, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा टू। फाइन करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, आई वन अपॉन आई टू पूछा गया है या आई टू अपॉन आई वन पूछा गया है, ये आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 17 जो था उसका आंसर आ गया टू मतलब वन, तो प्रॉब्लम नंबर 17 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम देखो कितने सिंपल है, कितने कैटेगरीज हम आसानी से यूज करते हैं, कितने आसानी से यहाँ पे प्रॉब्लम्स के आंसर जो है आ रही है, और आप देख सकते हो ये सभी क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अब तक कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 18 नंबर का, चलो देखो क्या है 18 नंबर का प्रॉब्लम, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वेयर sec स्क्वेयर ऑफ 1 अपॉन n स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन n स्क्वेयर इंटू sec स्क्वेयर ऑफ r 4 अपॉन n स्क्वेयर प्लस ऑन अप टू 1 अपॉन n इंटू sec स्क्वेयर ऑफ 1। तो चलो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको पता चल जाना चाहिए ये प्रॉब्लम लिमिट ऑफ सम का है, और लिमिट ऑफ सम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कितनी बार आपको ट्रिक्स बताई है। तो चलो देखो आप आसानी से यहाँ से कर सकते थे इस प्रॉब्लम को, अरेंज करेंगे सिर्फ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वेयर sec स्क्वेयर ऑफ 1 अपॉन n स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन n स्क्वेयर इंटू sec स्क्वेयर ऑफ 2 स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर प्लस, इसे 1 अपॉन n मतलब क्या लिख सकते हैं n अपॉन n स्क्वेयर लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं sec स्क्वेयर ऑफ n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ जो स्टेप आपको दी थी उसको अरेंज करके दिया, तो 1 1 2 2 का स्क्वेयर n n का स्क्वेयर, तो देखो n स्क्वेयर n स्क्वेयर n स्क्वेयर सेम है, तो आपको क्या करना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इसे लिमिट ऑफ सम में लिखेंगे, समेशन ऑफ वेरी कौन आ रहा है 1 2 अप टू n, ओके ना, सो 1 अपॉन n स्क्वेयर फिक्स्ड है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है मतलब r अपॉन n स्क्वेयर, sec स्क्वेयर ऑफ अपॉन n स्क्वेयर फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या आ रहा है r स्क्वेयर, तो देखो यहाँ पे 1 है r है 2 है r है n है r है 1 है 4 है n स्क्वेयर है r स्क्वेयर है, तो वेरिएशन r रन्स फ्रॉम 1 टू n, तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, ये जो n स्क्वेयर है इसे कैसे लिखेंगे n इंटू 1 अपॉन n, सो r अपॉन n को आप x पुट करोगे, सो sec स्क्वेयर ऑफ क्या होगा ये x स्क्वेयर होगा, 1 अपॉन n क्या होगा dx, तो देखो ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x इंटू sec स्क्वेयर ऑफ x स्क्वेयर इंटू dx, तो इसमें भी आप क्या करोगे पुट x square is equal to t, therefore 2x dx is equal to dt, therefore x dx is equal to dt by 2, लिमिट को चेंज करोगे x value 0 पुट की t is equal to 0, x value 1 पुट की t is equal to 1, so integration from 0 to 1, x dx मतलब क्या होगा dt by 2 sec square of t, तो इसका integration क्या है tan of t from 0 to 1 1/2, ये बाहर चला जाएगा 1/2, सो tan ऑफ t, tan ऑफ 1 मतलब क्या π/4, सो 1/2 इंटू π/4 माइनस tan ऑफ 0 मतलब 0, tan ऑफ सॉरी tan ऑफ 1 है यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1π/4 है tan ऑफ 1 माइनस 0, सो आपका आंसर क्या आएगा tan ऑफ 1 अपॉन 2। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 18 आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया tan ऑफ 1 अपॉन 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो चलो देखो नेक्स्ट 19 नंबर का प्रॉब्लम, चलो देखो
एक्सरसाइज टू में 19 नंबर का प्रॉब्लम एज इट इज हमारा हो चुका है, तो प्रॉब्लम नंबर 19 मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं देने वाला क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 21। ओके चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 19 हमारा लास्ट एक्सरसाइज में हो चुका है, प्रॉब्लम नंबर 21 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एक्स। ओके चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, तो फिर dx इज इक्वल टू क्या होगा माइनस dt, इसे क्या बोलेंगे I। ओके चलो कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू माइनस टी पुट किया, dx इज इक्वल टू माइनस dt होगा, x वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू माइनस पाई होगी, सो इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट माइनस पाई होगा लोअर लिमिट पाई होगा cos स्क्वेयर ऑफ माइनस टी अपॉन 1 प्लस ए रेस टू माइनस टी इंटू dx की जगह पे क्या आएगा माइनस dt, तो इस माइनस से ये लिमिट एक्सचेंज हो गए, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, अच्छे से देखो ए रेस टू कॉस स्क्वेयर ऑफ माइनस टी मतलब कॉस स्क्वेयर ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए रेस टू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई ए रेस टू टी इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए रेस टू टी इंटू डी टी। ओके तो चलो देखो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये भी आपका क्या है आई है, ये भी आपका आई है, सो इस इक्वेशन यहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ए रेस टू एक्स कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रल को मैंने क्या किया एक्स इज इक्वल माइनस टी पुट किया, टी में आ गया, फिर एक्स वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने सीखी है जो भी डिफरेंट इंटीग्रल हो एक्स की जगह पे टी लिख सकते हैं। तो फिर ये भी आपका आई है, इसे इक्वेशन वन बोलेंगे, इसे इक्वेशन टू बोलेंगे, ये भी आपका आई है, सो दोनों की एडिशन की तो क्या मिलेगा टू आई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, दोनों का बेस क्या है सेम, सो न्यूमरेटर की क्या होंगी एडिशन अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एक्स डी एक्स, सो फिर क्या होगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई ए रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एक्स, ये दोनों कैंसिल होंगे, सो कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स क्या है इवन फंक्शन, सो माइनस ए टू ये क्या होगा 2i इज इक्वल टू 2 0 टू पाई कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स डी एक्स, टू टू क्या होगा कैंसल, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलो देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, रिडक्शन से सॉल्व करो या फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर क्या आने वाला है पाई बाई 2, मतलब आई का आंसर क्या आएगा पाई बाई 2। तो आपका यहाँ इसे कैसे चाहो सॉल्व, यहाँ देखो आप यहाँ पे रिडक्शन के फॉर्मुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसे आप डायरेक्टली सॉल्व करो, आंसर को फाइंड करो, आंसर क्या आएगा आपका पाई बाई 2 आएगा। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये आपको यहाँ पे देखना है, आपका प्रॉब्लम नंबर 21 यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया।